Let us move further, dear students. So next is Ashoka, a unique ruler. यहाँ से हम पढ़ते हैं कि most famous Mauryan ruler है, वो है Ashoka. He was the first ruler who tried to take his message to the people through inscription. ये वो first ruler है जिसने अपना message लोगों तक पहुँचाया inscriptions के जरिए, पत्थरों पे, pillars पे mark करके, खुदाई करके. Ashoka की जो inscriptions हैं, वो प्रकृत लैंग्वेज में है और जो स्क्रिप्ट है वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है. जैसे हिंदी होती है और उसकी स्क्रिप्ट क्या है, देवनागरी, उसी तरह से प्रकृत लैंग्वेज है और ब्राह्मी स्क्रिप्ट है. अशोका वॉर इन कलिंगा. अब मैंने आपको मैप में कलिंगा दिखाया था, आपको याद होगा उड़ीसा की जगह है. उड़ीसा जो आज के टाइम का उसी उड़ीसा है, उस टाइम का कलिंगा है. कहते कलिंगा एक एंशियंट नेम है कोस्टल उड़ीसा का, ठीक है. अशोका ने एक वॉर लड़ी कलिंगा को कंकर करने के लिए, जीतने के लिए. पर जब उसने वॉर के बाद उसने इतनी वायलेंस देखी, इतना दर्द देखा, ब्लडशेड देखा, खून खराबा देखा, तो उसने डिसाइड किया कि वो फिर कभी वॉर नहीं लड़ेगा. वो एक ही ओनली किंग है इंडियन हिस्ट्री में बेटा जिसने जीतने के बाद भी वॉर छोड़ दी, गिविंग अप वॉर आफ्टर विनिंग ऑल्सो, ठीक है. तो अशोका की इंस्क्रिप्शंस पे क्या डिस्क्राइब किया हुआ है कलिंगा वॉर के बारे में, वो हम पढ़ते हैं. जस्ट वेट, यस, कि दिस वाज अशोकास डिक्लेरेशन इन वन ऑफ द इंस्क्रिप्शन. एक इंस्क्रिप्शन के ऊपर अशोका ने लिखा है कि 8 years आफ्टर बिकमिंग किंग आई कंकर्ड कलिंगा. जीतने 8 साल हो गए थे मुझे राजा बने हुए जब मैंने कलिंगा को जीता. 1 लाख लोग एंड हाफ पीपल वर कैप्चर्ड. इतने 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों को पकड़ लिया गया और बहुत सारे लोग मारे गए. तो कहते इस सब ने मेरा मन को दुख से भर दिया. ये अशोका का लिखा हुआ है. कहते व्हेन एवर एन इंडिपेंडेंट लैंड इज कंकर्ड, कहते जब भी किसी इंडिपेंडेंट लैंड को जीता जाता है तो बहुत सारे पीपल मरते हैं, लोग मरते हैं, बहुत सारे लोगों को कैदी बना लिया जाता है जिसमें ब्राह्मण और मोंक साधु संत भी मरते हैं. तो पीपल हु आर किंग of their relatives and friends to the slave, कहते जो सॉरी काइंड, जो लोग अपने रिलेटिव्स के साथ अच्छे हैं, अपने स्लेव्स के साथ, सर्वेंट्स के साथ अच्छे हैं, वो भी मर जाते हैं, ठीक है, बिना किसी, जिन्होंने कोई गलती नहीं की. इसलिए मैं दुखी हूँ और मैंने डिसाइड किया है कि मैं धमा का मार्ग अपनाऊँगा. बच्चे धमा का मतलब है धर्म, ठीक है. संस्कृत धमा इज अ प्रकृत वर्ड है और उसको संस्कृत में धर्म कहते हैं, तो हम लोग अपनी आम भाषा में इसे धर्म कहते हैं. तो उसने कहा कि मैं दूसरों को भी यही सिखाऊँगा. अशोका ने लिखा है कि लोगों के मनों को जीतना होगा धमा के अकॉर्डिंग, ना कि वॉर करके फोर्स के ज़रिए लोगों को जीतना है. तो उसने कहा कि मैं अपना ये मैसेज फ्यूचर में और जनरेशन तक भी पहुंचाऊंगा. मेरे सन जो मेरे ग्रैंडसन होंगे वो वॉर के बारे में ना सोचें, वो भी यही काम करें कि धर्म का मार्ग अपनाएं. इंस्टेड वो दे शुड ट्राई टू थिंक अबाउट हाउ टू स्प्रेड धमा, कि वो ये सोचे कि धर्म का प्रचार कैसे करना है. ये कुछ इंस्क्रिप्शंस के ऊपर अशोका ने जो लिखवाई थी. नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा, व्हाट वाज अशोका धमा. अब ये टॉपिक है कि अशोका का धमा आफ्टर ऑल है क्या. लास्ट पेज है आई थिंक हमारे चैप्टर का ये, कि ये अशोका का जो धमा है उसमें किसी पर्टिकुलर गॉड को नहीं प्रे करना, ना ही कोई सेक्रीफाइसेस करने हैं, कोई बलि वगैरह देनी है. उसने कहा जैसे एक पिता अपने बच्चों को शिक्षा देता है, उसी तरह से अशोका ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं अपनी प्रजा को. और वो क्योंकि अशोका जो है वो गौतम बुद्धा का समर्थक है, मैंने आपको बुद्धा वाले चैप्टर में भी ये चीज़ बताई थी, ठीक है. तो देयर वर नंबर, कहते लोगों के जीवन में कई सारी प्रॉब्लम्स होती है जो उनको ट्रबल करती हैं, क्योंकि लोग जो हैं डिफरेंट रिलीजन्स को फॉलो करते हैं, उनमें आपस में लड़ाइयाँ भी होती हैं, एनिमल्स को भी लोग सेक्रीफाइस करते हैं, स्लेव्स के साथ, अपने सर्वेंट्स के साथ इल ट्रीटमेंट, बुरा व्यवहार भी करते हैं. तो फैमिलीज़ में भी कॉल्स हैं, लड़ाइयाँ हैं, नेबर्स के साथ भी झगड़े होते हैं. तो अशोका फील करता है कि ये उसकी ड्यूटी है कि वो इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे. इसीलिए उसने अपने ऑफिसर्स को अपॉइंट किया स्पेशली, जो जिनको धमा महामंत्रास कहा जाता था. वो जगह जगह जाते थे, लोगों को धर्म की शिक्षा देते थे. इसके बिना अशोका ने इन सब मैसेजेस को रॉक्स और पिलर्स पे खुदवाया भी. इंस्ट्रक्टिंग हिज ऑफिसर, अपने ऑफिसर्स को कहा कि रीड हिज मैसेज टू डोज हु कुड नॉट रीड, कि जो लोग खुद नहीं पढ़ सकते उनको पढ़ के सुनाया जाए. तो अशोका ने अपने मैसेंजर्स भी भेजे
धर्म के प्रचार के लिए डिफरेंट डिफरेंट लैंड्स पे, जैसे कि सीरिया, इजिप्ट, ग्रीक, श्रीलंका, ऐसी जगहों पे भी उसने अपने मैसेंजर्स प्रचारक भेजे। उसने रोड्स बनवाई, वेल्स खुदवाए, रेस्ट हाउसेस बनवाए और सारे ट्रीटमेंट किए, मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह सारे अरेंज किए ह्यूमन बींग के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी इवन। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर बेटा। तो ये थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं, चलो। अशोका मैसेज टू सब्जेक्ट्स, क्या मैसेज दिया अशोका ने अपने सब्जेक्ट मतलब प्रजा को, कि पीपल परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ रिचुअल्स, कि लोग बहुत सारे रिचुअल करते हैं जब वो बीमार होते हैं। दे व्हेन देयर चिल्ड्रंस गेट मैरिड, जब उनके बच्चों की शादियां होती हैं, जब उनके बच्चों का जन्म होता है, जब वो यात्रा पे जाते हैं, कहते ये रिचुअल्स ये हैं आर नॉट यूजफुल, कहते इनका कोई फ़ायदा नहीं है। इसके बिना लोगों को क्या ऑब्जर्व करना चाहिए, जो फ्रूटफुल हो वो काम करने चाहिए, जैसे कि लोगों को अपने सर्वेंट्स के साथ जेंटल होना चाहिए, अपने एल्डर्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए, ट्रीटिंग ऑल क्रिएचर्स विद कंपैशन। कंपैशन क्या होता है, दया भावना के साथ, कि सारे क्रिएचर्स जो भी हैं अर्थ पे उनको दया भावना के साथ देखना चाहिए, ब्राह्मण्स को और मॉन्क्स को गिफ्ट देने चाहिए। इट इज़ बोथ रॉन्ग टू प्रेज वंस, अपने रिलीजन को प्रेज करना, किसी दूसरे के रिलीजन को क्रिटिसाइज़ करना ये गलत है। हर किसी को, हर किसी के रिलीजन को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। अगर कोई अपने रिलीजन की तो प्रेज करता है, दूसरे को क्रिटिसाइज़ करता है, तो एक्चुअली वो अपने ही रिलीजन को हार्म पहुँचा रहा होता है, नुकसान पहुँचा रहा होता है। तो इसीलिए अशोका ने क्या कहा था कि द मेन आइडिया ऑफ अनदर्स रिलीजन एंड रिस्पेक्ट इट, दूसरे के रिलीजन की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है ना हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने भी लिखा था कि जो अशोका की इंस्क्रिप्शंस हैं उसकी लैंग्वेज सबको समझ आती है। और ठीक है, तो बच्चे नीचे जो दी हुई है ये आपकी भ्रमी स्क्रिप्ट को दिखाया हुआ है, नीचे ये जो अक्षर है नीचे आपकी भ्रमी स्क्रिप्ट है। थैंक्स अ लॉट, बाय टू ऑल।